क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 की। इस क्वेश्चन में देखिए जनरल एंट्रीज बनाने को कहा गया था, तो रिलेटिव डिसोल्यूशन। तो हमने सबसे पहले क्या करा, अपने एसेट साइड में जितने भी एसेट्स हैं जिनको क्लोज कर सकते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी और डेटर, यानी कि बैंक को छोड़ के बाकी तीनों एसेट क्लोज कर दिए। जब एसेट अकाउंट क्लोज करते हैं तो एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं, रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है एट देयर बुक वैल्यू। ये एंट्री बन गई है, आप देख सकते हैं रिलेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 9,22,000 से, लैंड बिल्डिंग 4,00,000 से क्रेडिट हो रहा है, मशीनरी 3,00,000 से और डेटर 2,22,000 से। लाइबिलिटी साइड में दो चीज़ें हैं जो क्लोज की जाएंगी, एक तो क्रेडिटर और EPF। तो क्रेडिटर है 1,79,000, EPF है 21,000, टू रिलेशन अकाउंट 2,00,000। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्लोज करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। फिर जो है आपका नीचे के पॉइंट्स पे आते हैं। मैंने इसमें एसेट्स के जो बेच के जो पैसा है इकट्ठा ही लिख लिया है, कैसे कैसे है बताया था। उन्होंने कहा लैंड बिल्डिंग 4,30,000 की रिलाइज हुई है, तो लैंड बिल्डिंग 4,30,000, डेटर से 2,25,000 मिले इंटरेस्ट मिला के, तो ये भी बाय बैंक में ही आना था। फिर उन्होंने कहा है कि 1,000 रुपये बेटर रिकवर्ड के भी हैं, तो वो आ गया। अन्य कोई इन्वेस्टमेंट थी 25,000 की, वो भी इसमें आ गई। विचल ने मशीनरी को लिया है 2,80,000 का फॉर कैश, तो ये बाय विचल ना होके बाय कैश ही आना है, यानी कैश में या बैंक में इसको लिखा जाना है। तो ये सारी एसेट्स बेच के पैसा आया 9,61,000, रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड दोनों मिला के। फिर उन्होंने कहा कि 50% क्रेडिटर को हमने 4,000 रुपये कम दिए और बाकी 50% को पूरा पैसा दिया गया है, तो यानी कि क्रेडिटर में से इन ऑल आपको 4,000 रुपये बस कम करने हैं। क्रेडिटर 1,79,000 थे, तो 4,000 कम कर दीजिए, तो क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा 1,75,000। उनके पेमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है EPF के, तो वो पूरा पे कर देंगे 21,000। तो टोटल पेमेंट हुआ रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,96,000। फिर हमने रिलेशन का डेबिट और क्रेडिट चेक किया, डेबिट में आ रहा है 9,22,000 और 1,96,000, जो कि मिला के हो रहा है 11,18,000। क्रेडिट में आ रहा है 2,00,000 और 9,61,000, यानी 11,61,000। 11,61,000 में से 11,18,000 माइनस करेंगे, 43,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, जो 3:5 के रेशियो में बांट दिया जाएगा अचर और वचन में, 16,125 और 26,876। फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सेटल करना है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी 3,00,000 और 5,00,000 क्रेडिट थे, उसमें इतना क्रेडिट और हो गया तो इतना ऐड हो गया, तो 3,00,000 में 16,125 जोड़ा तो 3,16,125 हो गया, 5,00,000 में 26,875 जोड़ा तो 5,26,875 हो गया। ये इनका फाइनल क्रेडिट बैलेंस निकल कर आया, जो पे कर देंगे तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे और बैंक क्रेडिट हो जाएंगे। फाइनल पार्टनर का फाइनल बैलेंस अगर क्रेडिट निकल के आता है तो पे करते समय वो पार्टनर डेबिट हो जाते हैं एंड बैंक क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा लेकर जाएंगे तो कैपिटल अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो डेबिट हो गए और टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ बच्चों, उसमें जो प्रॉफिट आया है, बल्कि 19 में नहीं, हाँ 19 की शायद मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो प्रॉफिट लिया गया है वो 20,020 आया है, ना कि 20,120। तो थोड़ा देख लीजिएगा बच्चों, उसमें 12,012 और 8,008 आ जाएगा प्रॉफिट, जो उनका हिस्से का आएगा। क्वेश्चन 20 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो दिस इज़ फॉर क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान रखिएगा। मैंने 20,120 बोल दिया था, तो ध्यान रखिएगा वहाँ जो टोटल है वो आपका, मैं लिखा भी देता हूँ उसको, ये 4,26,020 आया था इसका टोटल, ठीक है, 4,26,120 नहीं, तो ये प्रॉफिट जो आएगा वो 20,020 आएगा। 20,020 को जो है बांटेंगे तो 12,012 और 8,008 आ जाएगा इस तरह से। तो ये करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा, मैंने इसका जस्ट क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया, क्वेश्चन 20 सॉल्यूशन, तो देख लीजिएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।